सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो सारे? मज़े में होना? और कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स ये भी बताओ, ठीक है? मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई आज है डे 3, ठीक है? और आज हम करने वाले हैं आर्म्स का वर्कआउट। क्रेजी वर्कआउट होने वाला है भाई। और एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वर्कआउट करने से पहले, कि भाई आर्म्स मतलब बाइसेप और ट्राइसेप में आप एक्सरसाइज ज़्यादा मत करो, चाहे 2 या 3 एक्सरसाइज रखो। मतलब आज जो मेरा वर्कआउट है मैं आपको आने के बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? और मौसम भी भाई बहुत अच्छा हो रहा है ना? मैं जस्ट अभी उठा था, अभी 7 बज रहे हैं, ठीक है? और मैं जस्ट अभी उठा था और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी, तो मुझे लगा लेट ना हो जाऊँ, तो फटाफट से मैं रेडी होऊंगा। अब आऊँगा, अभी नहीं हुआ। और हेमंत भाई का फिर फ़ोन आ गया कि भाई कैसे भी करके 8 बजे तक पहुँच जाना। मैं उनको रोजाना चिल्लाता हूँ कि यार जल्दी आया करो, जल्दी आया करो, धूप हो जाती है, धूप हो जाती है। पर मैं ही लेट होता हूँ, मैं 8:30 तक पहुँचता हूँ। तो आज मेरे को कैसे भी करके जल्दी पहुँचना है, और उसके बाद में वर्कआउट ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ इसलिए नहीं कर पाता यार, बोल ही नहीं पता, गाने चलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। और हमारा फाइनली पोस्टर भी बन गया है, ठीक है? पर मैं सोच रहा हूँ कि वो एक बार मैं प्रिंट करवा दूँ ना, उसके बाद जिम में लगाने के बाद आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। सो अभी फटाफट से चलते हैं जिम में, और आज करते हैं क्रेजी वर्कआउट। वर्कआउट काफ़ी नया है, तो मुझे भी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो लेट्स गो, चलते हैं जिम। Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, kid. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm building my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. Looking like I'm not me, got the gun, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah. 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 Fiends fight for fun. I'm the giant that they running from. Shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. No. I don't know it's gonna be a first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. Whoa. You know I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. Living they gon' not me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at. I'm in a rock. सो भाई वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। वर्कआउट बहुत तगड़ा हुआ है, मज़ा आया, ठीक है? और मैं ये देख रहा हूँ कि फ़ोन से कितनी अच्छी वारी क्वालिटी। तो अभी घर निकलते हैं फटाफट से, और घर जाके क्योंकि मेरे को भूख लगने लग जाती है भाई वर्कआउट करते करते भी। सो लेट्स गो, चलते हैं और आगे की ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं इस कमरे में रह रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि घर पूरा खाली पड़ा है, तो मुझे नीचे ध्यान रखना पड़ता है। इधर कपड़े फैले हुए हैं, ये पूरा कपड़ा फैला हुआ है, यहाँ सब फैला हुआ है। इधर कपड़े पड़े हैं, इधर कपड़े पड़े हैं, ये पूरा फैला हुआ है। इधर भाई अपनी सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो मुझे फटाफट से अभी तो वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद अपन ये सफाई करेंगे और फिर चकाचक कर देंगे पूरे रूम को। तो भाई ये अपनी इवनिंग मील, इसमें क्या क्या है वो बता देता हूँ। इसमें मैंने ओट्स डाले हैं, अब मैंने नाप के नहीं डाले। और इसमें देखो बादाम डाला है, ठीक है? एक पूरा एप्पल डाला है, मीडियम, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। 20 ग्राम मैंने, शायद 20 ग्राम के आसपास मैंने प्रोटीन डाला है। और क्या चीज़ डाली है, एक केला डाला है, ठीक है? तो ये है अपनी इवनिंग मील, अब इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं छत पे। थोड़ा सा अपन काम कर लेंगे और घूम भी लेंगे, ठीक है? तो सीधा मिलते हैं छत। तो इस बार जो मैंने वर्कआउट बनाया था, तो मैंने सबसे पहले माइंड में यही रखा था कि मुझे एक अलग से आर्म्स डे सेपरेट रखना है। तो आज का वर्कआउट में 3 एक्सरसाइज मैंने ट्राइशिप की करी और 3 मैंने बाइशिप की करी, ठीक है? सेट्स मैंने काफ़ी कम रखे मेरे, अगर कुछ एक्सरसाइज में अगर 2 ही सेट थे तो भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है उन 2 सेट में टिल फेलियर तक। और आज मेरा जो फर्स्ट आर्म्स डे था, एक हफ्ते में 2 बार आर्म्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मेरा जो फर्स्ट आर्म्स डे था उसमें मैंने ट्राइशिप पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाइशिप। मतलब बाकी मैंने पूरा वर्कआउट जो है ना आर्म्स का, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप जाओ और ट्राई करो। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई जब आप ये ट्राई करोगे तो एक हफ़्ता आपको अजीब लगेगा, क्योंकि कोई भी नया वर्कआउट अजीब ही लगता है, ठीक है? और मैंने ये देखा है कि जब भी मैं, मतलब मैं पहले जब ट्रेनर था ना जिम में, तो भाई मैं 1 साल तक ट्रेनर रहा, तो वो जो भी पैसे आते थे ना, मैंने वो ट्रेनिंग ली है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, ठीक है? और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है? मैंने ये तक भी सीखा है कि भाई पैसे कैसे कमा सकते हो, और कैसे डाइट चार्ट बनता है, कैसे वर्कआउट प्लान बनता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज रखवाते हैं। तो बस एक चीज़ बताऊँगा ओवरऑल, ये जब भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, कि भाई वो क्या करते थे, जो भी XYZ, मैंने यहाँ तक कि यश आनंद है भाई से भी मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसका मेरे को एक चीज़
अच्छी नहीं लगी वो ये है कि भाई वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था जो भी क्लाइंट होते थे। मैं आपको वो प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने उससे ट्रेनिंग ली है। वो एक हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार मैसेज करता था, वो भी टेलीग्राम पे, और मैं उसको काफ़ी पूछता भी था। मैं क्योंकि उस टाइम बिल्कुल नया था ट्रेनिंग के मामले में, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन पूछता था, लेकिन दो हफ्ते में जब आपको रिप्लाई मिलेगा तो आप क्या ही बोलोगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं उससे ज़रूर शेयर करता था, लेकिन उसका रिप्लाई आता था पर बहुत लेट आता था। पर ठीक है, अब फिर मैंने छोड़ दिया था 3 महीने लेके, अब मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेनर लिया, दूसरे सीखा, वो काफ़ी अच्छा था। पर वो बोलते ना कि आप 3000 सीख लिया मैंने, तो मैं सोच रहा था वो 3000 मैं खुद की डाइट में लगाऊं, तो मैंने वही किया था। और बल्किंग काफ़ी अच्छी चल रही है, अपडेट देता रह रहा हूं। अपना करंटली वेट 79-80 समथिंग है, ठीक है। तो इस संडे को अपन वेट भी कराएंगे, और इस हफ्ते से जैसे ही ये संडे आएगा, मंडे से वापस प्रॉपर इस वर्कआउट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें प्लान हो जाएगी। ये हफ़्ता मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो भाई कार्डियो करो, चाहे छत पे करो या पार्क में करो या ट्रेडमिल पे करो। अगर जिम में नहीं कर पा रहे तो जैसे मैं करता हूँ, शाम को भी मैं छत पे चल रहा हूँ, 1 घंटा चलता हूँ, इनफ है, और पता भी नहीं चलता। आप यूट्यूब वीडियो देख लो, आप किसी को फ़ोन कर लो, आप किसी से भी बातें कर लो, गाने सुन लो, पता भी नहीं चला 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा रोजाना करो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। यही था कार्डियो का लेसन, ठीक है। तो मैं फटाफट से कार्डियो कंप्लीट करता हूँ, और इस ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।